नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। नीतीश कुमार की पार्टी में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको बताएं कि मंत्री बीरेंद्र यादव के बाद अशोक चौधरी की नाराजगी खुलकर सामने आई है और चौधरी ने नीतीश कुमार पर ही निशाना साध दिया। दिलचस्प बात यह है कि अशोक चौधरी और बीरेंद्र यादव दोनों नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के सदस्य माने जाते हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश के किचन कैबिनेट के सदस्य पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और वो तब जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक साल का वक्त बचा। दरअसल 1970 के दशक में भारत की सियासी गलियारों के अंदर किचन कैबिनेट का शब्द सुर्खियों में आया था। उस वक्त इंदिरा गांधी के करीबी नेताओं के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता गया है और किचन कैबिनेट का मतलब एक छोटी टीम जो डिसीजन मेकिंग का कार्य करती है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के अंदर वर्तमान में 5 नेता शामिल हैं। पहला नाम ललन सिंह का है, जो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश के किचन कैबिनेट के प्रमुख सदस्यों में से एक है। जेडीयू कोटे से अभी केंद्र के अंदर मंत्री भी हैं और ललन सिंह को नीतीश कुमार का करीबी नेता माना जाता है। दोनों छात्र राजनीति से एक दूसरे के साथ हैं और बिहार को लेकर काम करते रहते। ललन सिंह को नीतीश कुमार का संकट मोचन भी कहा जाता है और जेडीयू जब जब संकट में आती है तो नीतीश ललन को ही आगे कर दिया करते। वर्तमान में जेडीयू के भीतर ललन दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। और दूसरा नाम संजय कुमार झा का है, जहां पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी नीतीश किचन कैबिनेट के एक अहम सदस्यों में से एक सदस्य है। संजय झा जेडीयू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जरिए आए हैं और शुरुआत में नीतीश कुमार का ब्लॉक मैनेजमेंट करते हैं और खुद की सरकार में मंत्री बनवाया। 2020 के चुनाव में जेडीयू के कैंपेन की जिम्मेदारी संजय झा पर थी और संजय जब मंत्री थे तब उन्हें अक्सर नीतीश कुमार के साथ देखा जाता। अब तीसरा नाम आपको बताते हैं। तीसरा नाम विजय चौधरी का बिहार में बना हुआ। बिहार में जेडीयू के अध्यक्ष रहे विजय चौधरी भी नीतीश किचन कैबिनेट के सदस्य हैं और चौधरी वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री। उन्हें नीतीश के साथ अक्सर देखा जाता है और सराय रायगंज से विधानसभा विजय चौधरी ने करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की थी। विजय चौधरी 2015 के बाद से सभी सरकारों में मंत्री रहे और इस दौरान उनके पास वित्त, शिक्षा और जल संसाधन जैसे कई अहम और बड़े विभाग भी रहे। चौथा नाम विजेंद्र यादव का है, जो खाटी समाजवादी नेता विजेंद्र यादव को भी नीतीश किचन कैबिनेट का सदस्य माना जाता है। विजेंद्र लंबे वक्त से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं और बिहार के अंदर ऊर्जा और योजना विभाग में मंत्री रहे। और सुपौल से आने वाले विजेंद्र यादव 8 बार के विधायक हैं। ये कहा जाता है कि विजेंद्र की वजह से ही सुपौल जेडीयू का एक गढ़ बना हुआ। पांचवा नाम अशोक चौधरी का है, जो 2017 के बाद अशोक चौधरी भी नीतीश के किचन कैबिनेट में शामिल हो गए। अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों के अंदर नीतीश के साथ चौधरी को देखा जाता है और चौधरी वर्तमान नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। जेडीयू में आने से पहले चौधरी बिहार सरकार के अध्यक्ष थे और चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक नेता माने जाते थे। आइए जानते हैं कि किचन कैबिनेट में क्यों हलचल मची हुई है। दरअसल विजेंद्र यादव और फिर अशोक चौधरी की नाराजगी से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के अंदर हलचल इतनी तेज क्यों हो गई। जेडीयू से जुड़े नेताओं के मुताबिक दोनों के केस बिल्कुल अलग हैं और मसलन अशोक चौधरी लोकसभा चुनाव के बाद से ही साइडलाइन में चल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी को जेडीयू के बदले लोजपा आर से टिकट दिलवा दिया है और ये कहा जाता है कि इसके बाद से ही जेडीयू के हाईकमान की नजरों में वो खटक गए। मंत्रियों के जिला बंटवारे में इसका असर भी देखने को मिला है और लोकसभा चुनाव से पहले तो अशोक चौधरी के पास जमुई और रोहतास जिले का प्रभार भी था, लेकिन अब उन्हें सीतामढ़ी और जहानाबाद का प्रभार मंत्री बनाया गया। जमुई अशोक चौधरी का सियासी गढ़ भी माना जाता। इतना ही नहीं, हाल ही के दिनों में IAS की नौकरी छोड़ राजनीति में मनीष वर्मा ने भी चौधरी की मुश्किलों को बढ़ा दिया। ये कहा जा रहा है कि नए सदस्यों के तौर पर नीतीश किचन कैबिनेट में, और बात विजेंद्र यादव की करें तो RJD से गठबंधन टूटने के बाद से ही विजेंद्र यादव असहज बताए जा रहे हैं। हाल ही में जेडीयू के कार्यालय पर लगे पोस्टरों में अपनी तस्वीर न देखना एक बड़ी नाराजगी की वजह भी बताई जा रही। कहा जाता है कि 2022 के अंदर जेडीयू और RJD को साथ लाने में विजेंद्र यादव ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उसी के बाद बिहार में 2022 में ये गठबंधन की सरकार बनी थी। आपको ये भी बताएं कि बिहार के अंदर अगर हलचल तेज होती है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर खासा असर पड़ता नजर आ सकता है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।